हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यस, इट्स मी प्रथम पार्क। एक साल हो गया यार मैंने वीडियो नहीं डाला, थोड़ा सा अजीब लग रहा है और ऊपर से फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने भी हूँ। तो यस, मुझे पता है लास्ट वीडियो मेरा वैम्पायर सीरीज का था, शायद 2 जनवरी 2023 को मैंने अपना लास्ट वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद कुछ नहीं, वो मेरे चैनल का 48 वीडियो था जो कि मुझे ले जाता अपने छोटे से गोल की तरफ, जो कि था कि एटलीस्ट मुझे 50 वीडियोस अपलोड करने थे यूट्यूब पे। एक पर्सनल गोल्स आप कह सकते हो, कुछ भी नाम दे दो। बट सडनली कुछ चीज़ें ऐसे हुई कि मुझे वीडियो बनाना स्टॉप करना पड़ा, जिसका मेन रीज़न था कि मैं जिस पे इतना वीडियोस बनाता था, मेरा लैपटॉप। वन सेकेंड, लेट मी शो यू। सो दिस इज माय ओल्ड लैपटॉप, HP पवेलियन का है ये। इसके स्पेक्स अराउंड i5 8th gen, 8 GB रैम, एंड इसका ग्राफिक कार्ड इतना तगड़ा था ना, आज तक नाम नहीं सुना होगा, इतना तगड़ा, मतलब हाई लेवल ऑफ गेमिंग, ऐसी गेमिंग करती थी उसमें मैं। उस ग्राफिक कार्ड का नाम है MX130। अगर कोई शौक हो चुका हो ये ग्राफिक कार्ड का नाम सुन के, या था ये, इस नाम का एक ग्राफिक कार्ड है जो एग्जिस्ट करता था आज से कुछ सालों पहले। बहुत पुराना लैपटॉप है ये, ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। और ऊपर से इसका जो प्रोसेसर है i5 8th gen, वो यू टाइप प्रोसेसर है, जिसको यू टाइप प्रोसेसर क्या होता है ओके, और जिसको नहीं पता कमेंट्स में समझा देना यार। अब आ चुके हैं वापस, थोड़ा सा ब्रीच वगैरह सब बढ़ाना पड़ेगा ना अपने को। सो दिस इज द वेरी ओल्ड लैपटॉप, इस पर मैं अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करता था, इस पर एडिटिंग करता था, इस पर सब कुछ होता था। सो काफ़ी टाइम से मैं बहुत से यूट्यूबर्स को देखते आ रहा हूँ जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, स्पेशली जैसे कि सक्सेस एम, हुज़ार गेम्स, रूपिन भाई, दैट्स RPLZIM बाय द वे, आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट, सॉरी रूपिन भाई अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो, भूषित भाई, द गेमर्स थेरम, अपने GGM ब्रो, GGM गेमर्स एंड गेम्स मीनिया, हेमंत टी, या इन काफ़ी लोगों से मैंने इंस्पायर होकर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। कि एक वो एक चाहत रहती है कि मुझे भी अपने गेम्स रिकॉर्ड करने हैं, मुझे भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, मुझे भी ऐसा अपने वॉक थ्रू एक अपना पर्सपेक्टिव समझाना है गेमिंग के थ्रू, या फिर मेरा जो लव है गेमिंग के लिए वो दिखाना है। सो ऑल दैट स्टफ। तो एक दिन बैठा, डिसाइड किया, बहुत से मोटिवेशन वीडियो देखे, उससे थोड़ा सा ब्रेन मेरा ट्रिक हुआ और या I started my YouTube channel. Name is Pratham Park. Obviously, दिमाग में कोई fancy वगैरह game name नहीं आ रहा था, तो मैंने अपना ही नाम रख दिया था. And yeah, चल रहा था. Then मैंने देखा कि YouTube पे कौन सी games चलती है. Story games मुझे खेलना पसंद था, but trending में जो games थी वो थी Valorant. Valorant मेरे laptop में तो चल जाती ही, but मैं उसे record नहीं कर पाता था. बिकॉज एट द टाइम मुझे वैलोरेंट में मिलते थे 60-70 FPS, बट एज सुन एज आई रिकॉर्ड बटन में हिट करता था बैक टू 20 FPS. सो देर इज नो ऑप्शन कि मैं वैलोरेंट रिकॉर्ड करके वैलोरेंट के ऊपर कंटेंट बनाना चाहता था। सेकेंड ऑप्शन था मेरा स्टोरी गेम्स, मुझे बहुत स्टोरी गेम्स खेलना पसंद था, अनचार्टेड, लास्ट ऑफ अस, रेड डेड रिडेम्पशन, डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन, ये काफ़ी ऑसम से गेम्स हैं जो मुझे खेलने थे। बट आई हिट बाय द रियलिटी, मैंने अपने लैपटॉप की तरफ देखा, मेरे लैपटॉप ने मेरी तरफ देखा, किया दोज गेम्स डिमांड वेरी हाई स्पेसिफिकेशन दैट माई लैपटॉप डजंट हैव। सो व्हाट्स द सेकेंड ऑप्शन फॉर मी? सेकेंड ऑप्शन इज मैं वो गेम्स खेलूँ जो मुझे खेलने थे उस टाइम पे, बट मैं खेल नहीं पाया, और अगर वो गेम्स पुराने हैं तो चांसेस है इस बात के कि वो मेरे लैपटॉप पे चल जाए। सो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कैसे कौन से पुराने गेम्स हैं जो अच्छे गेम्स हैं जो मैं खेल सकता हूँ, एंड आई केम अक्रॉस विद मेट्रो।
मेट्रो रिडक्स, जिनको नहीं पता मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो या फिर बोल सकते सबसे पहली सीरीज जो मैंने गेम्स की थी वो मेट्रो सीरीज की थी। आई लव दैट गेम, बहुत बेस्ट गेम है। इफ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट, ऊपर आए बटन पे या कहीं पे तो आ रहा होगा, लिंक दे दूंगा मैं, चेकआउट करना, बहुत मस्त गेम है। और हुआ यह था कि उस टाइम पे लकीली एपिक गेम्स पे वो गेम फ्री आई थी, उसका पूरा बंडल आया था, मेट्रो रिडक्स 2033 एंड एक्सोडस, वो पूरा बंडल आया था उसका। सो या आई मीन लाइक व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैंने ट्राई किया, थोड़े से मेरे लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन फिर भी कम थे, तो मैंने 720p रेजोल्यूशन पे लोएस्ट सेटिंग पॉसिबल पे अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करना शुरू किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी क्वालिटी कैसी है या फिर क्या चीज़ है, आई जस्ट वॉन्ट टू अपलोड, दैट्स इट। मेरा एक ही गोल था कि मुझे जो गेम पसंद है मैं वो गेम खेलूँ, उसे अपलोड करूँ एंड इन्जॉय करूँ, बस। देन सक्सेसम भाई ने मुझे एक गिव अवे मिला था, सक्सेसम भाई वो गिव अवे कर रहे थे, उसमें मेडिवल डायनास्टी मिली, फैंटास्टिक गेम। उस पर मैंने आई थिंक 3-4 वीडियोस भी बनाई, जो कि उस मतलब कंपेरेटिवली जो मेरे चैनल पे व्यूज़ आते थे उससे कहीं ज़्यादा व्यूज़ उस गेम पे आते थे। बट उस गेम का प्रॉब्लम ये था कि वो गेम ज़्यादा ओवरहीट करता था मेरे लैपटॉप को, तो मुझे वो गेम स्टॉप करनी पड़ी। बट मूविंग फॉरवर्ड टू दैट गेम ऑल्सो आई हैड सम गेम्स इन माई माइंड, देन आई केम अक्रॉस वैम्पायर। सो आफ्टर कम्प्लीटिंग मेट्रो रिडक्स मैं ढूंढ रहा था कि एक और कौन कौन सी गेम है, एंड तभी सक्सेसम भाई के ही प्ले लिस्ट से मुझे पता चला कि वैम्पायर एक गेम है जिसको मुझे ट्राई करना चाहिए। मैंने थोड़े बहुत उसके ट्रेलर वगैरह देखे एंड आई होप ऑन इट। लाइक मैंने दूसरा तीसरा सोचा नहीं भाई, वैम्पायर कम ऑन। मैंने वैम्पायर खेली, सब स्मूथली चल रहा था, मैं मस्त रिकॉर्ड कर रहा था, एडिट कर रहा था, सब स्मूथली चल रहा था। बट आफ्टर अपलोडिंग माई 48th वीडियो मेरे लैपटॉप ने जान दे दी, लिटरली जान दे दी। मेरा लैपटॉप कुछ लोड हैंडल नहीं कर रहा था, वो सीधा क्रैश हो जाता था। उसका बैटरी इशू था, विदाउट चार्जिंग वो लैपटॉप चल नहीं रहा था। सो मैंने बैटरी चेंज की, फिर उसका ओवरहीटिंग का इशू स्टार्ट हुआ, जिसके कारण कुछ भी हाई लोड टास्क, इवन मैं अगर क्रोम भी उस पर खोलता तो उसका सीपीयू परसेंटेज 100% यूज पे चला जाता, मेमोरी परसेंटेज 100% यूज पे चला जाता, तो बहुत दिक्कत आ रही थी। एंड गेमिंग उस पर करना ऐसे कंडीशन में इम्पॉसिबल। सो मैंने टेक्नीशियन को बुलाया, कुछ सीपीयू फैंस वगैरह था, मैंने वो रिपेयर वगैरह करवाया, बट ना कुछ हुआ नहीं। मैंने विंडोज भी रिसेट की कि चलो थोड़ा सा वो पुराना लैपटॉप है तो थोड़ा सा स्लो हो चुका है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, विंडोज रिसेट करते हैं, बट नथिंग कैन डू। दिस इज द रीजन कि आफ्टर 48 वीडियोस, बल्कि 49th वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई थी, ठीक है, उसी फाइल्स मेरे पास पड़ी हुई थी, वो बस एडिट करना बाकी था, बट लैपटॉप ने जवाब दे दिया, इसकी वजह से मैं उसे एडिट भी नहीं कर पाया। एंड आई स्टॉप, एंड उसके बाद मेरा कॉलेज एग्जाम्स वगैरह, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, सम इंजीनियरिंग लेवल स्टफ इज गोइंग ऑन, सो मैं वहाँ पे ज़्यादा बिजी हो गया, तो मैंने इन सारी चीज़ों पे इतना ध्यान वगैरह नहीं दिया। बट अगर हम बात करें आज की, तो आई हैव गुड न्यूज। सो एक्चुअली आई हैव टू गुड न्यूज, वन फॉर मी एंड technically both are for me also. I am returning my natural habitat that I love gaming, kyunki ek saal se main kuch games nahi khel raha tha, pura dimag mein aisa stress bhara ho chuka tha, kyunki ek mere liye game khelna matlab escape from reality jaisa hai, ek alag duniya hai meri gaming ke liye. So yeah, ab mera dimag fir se kaam karne lagega and देखते क्या होता है, ठीक है। एंड आफ्टर अ ईयर फाइनली आई हैव अ बेटर डिवाइस,
and with better specifications. So मैं सारे games खेल पाऊँ. अब मुझे पता है काफी सारे लोग comments करेंगे या फिर नहीं करेंगे. You know, it's come on. What am I expecting? I have thousands of subscribers जो comments करेंगे. But yeah. I go with the laptop. I'm not going with the PC. There are some reasons behind that. Okay. Don't comment like you should build a PC and all. There are some reasons that we'll talk in some later in time. But yes, I have bought the gaming laptop. Now, ek achha laptop maine finally le liya hai. The laptop is Predator Helios Neo 16 2024. I am running the specification of i7 14th gen H processor. Again, jinko pata hai H processor kya hai, comments karna. Jinko nahi pata hai, comment main samjha dunga main. Theek hai, comments karna. Theek hai, comments karna. Main samjha dunga. H processor and running with a 16 GB RAM. Pehle mere paas 8 GB RAM thi. And processor be i5 8th gen, so it's a big jump for me. And with the graphic card, yes, MX132P se maine upgrade kiya hai 4060 pe, that is 8 GB VRAM graphic card, by the way. So yeah, specification wise all good. Main bahut sari games ab khel sakta hun. And mera back आने का मोटिव भी यही है कि मैं वापस से अपने नेचुरल हैबिटेट में आ सकूं, वापस से मैं गेमिंग कर सकूं, वीडियो एडिट कर सकूं, जो कि मैं प्रोसेस एंजॉय करता हूं. एंड या काफ़ी सारे गेम्स हैं मेरे दिमाग में. लाइक मैंने कभी सोल्स गेम्स ट्राई नहीं की. और रिसेंटली जैसे हमने देखा कि एल्डर रिंग की न्यू डीएलसी आ गई है, बट एल्डर रिंग इज बहुत एक्सपेंसिव, सो वो होल्ड पे है. वो गेम कभी हम बाद में कवर करेंगे. There is one Detroit Become Human, very beautiful game. I love that game. I wanted to play. कुछ sale वगैरह में अगर वो मुझे मिल जाती है, देखेंगे. मैं अभी कुछ promises नहीं कर रहा, देख लेंगे. जो होगा वो देखा जाएगा. Then Lies of P, yeah, वो एक सोल गेम है जो हम खेल सकते हैं, because मेरे laptop के साथ मुझे Xbox Game Pass मिला है 1 month का free of cost. तो मैं उस पर चेक कर रहा था, उसमें लाइज ऑफ पी है जो कि सोल्स टाइप गेम है. वो डेफिनेटली हम करने वाले हैं. सम हॉरर गेम्स को, कोई अपकमिंग गेम्स अगर एक्सबॉक्स गेम पास पे आते हैं तो वी सी. देन सेकंड वन इज अ वे आउट. एक कोई पार्टनर मैं ढूंढूंगा, मेरे दोस्त है शायद, मेरे दोस्त है, उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा. अगर अ वे आउट हम खेल पाए साथ में तो इट्स अ गुड. एंड अगर हम बात करें FPS गेम्स की तो वैलोरेंट तो होगा ही. कम ऑन, वैलोरेंट हम खेलेंगे. पबजी पीसी इज देयर. पबजी पीसी मुझे बहुत पसंद है, हालांकि मैं खेल नहीं पाया कभी, बट अब हम सारे गेम्स को ट्राई करने वाले हैं. लास्ट ऑफ अस, यार लिस्ट बहुत लंबी है. देखो गेम्स की लिस्ट बहुत लंबी है. अब डिपेंड करता है कि क्या मैं उस गेम को परचेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो बात की बातें हैं. बट या मैं अपने तरफ से पूरा 100% देने वाला हूँ अभी फिलहाल. सो या यू कैन से नाउ आई एम बैक ऑन यूट्यूब. एक नई गेम आ रही है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं, पर कुछ तो हॉरर टाइप गेम है, ऑयल रिग पे है. वो हम डेफिनेटली ट्राई करने वाले हैं. That's it. क्या और क्या, मैं आ चुका हूँ. आई एम नाउ इन फुल फॉर्म. आई एम बैक ऑन यूट्यूब. अब थोड़ा सा यूट्यूब को सीरियसली ले रहा हूँ मैं. रेगुलर अपलोड्स एंड प्रोबेबली लाइव स्ट्रीम, देखेंगे जो होता है वो होता है. बहुत सारी गेम्स हैं जो मैं खेलना चाहता हूँ. लेट्स सी कैसे कैसे करके हमें वो गेम्स हम ट्राई कर सकते हैं. मैं अब देखूंगा. बट देर इज वन गेम दैट आई एम स्टार्टिंग विद. इट्स Blair Witch. I know काफी पुरानी गेम है,
बट जो उसका सस्पेंस स्टाइल है, एक हॉरर शायद वाइब है, मैंने अभी कुछ उसका देखा नहीं है, मैंने ट्रेलर वगैरह भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन देखा है गेम का, कि हाँ एक बहुत अच्छी गेम है वो. सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम. फर्स्ट हम वो करने वाले हैं, उसका प्ले टाइम भी बहुत कम है, मैंने देखा था कुछ 5-6 घंटे का ये. सो इट्स इजी एंड लेट्स एंजॉय द प्रोसेस एंड लेट्स हैव सम फन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू आर न्यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तो चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ. प्रथम बार के साइनिंग आउट.